गाइस आज हम जा रहे हैं मशरूम बनाने। तो ये मशरूम है 2 पैकेट, इसे मैं अच्छे से खोल के वॉश कर लेती हूँ, फिर इसे कटिंग कर लूँगी। तो इसे मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ कटोरे में पहले। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है। इसे हम अच्छे से धोएंगे, ये सारा काला काला है जो हटाएंगे, और फिर इससे कटिंग करेंगे अच्छे से। पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं फिर कटिंग करेंगे। गाइस देखिए इसे हम अच्छे से वॉश कर रहे हैं, इसे अच्छे से धोना है गाइस, बहुत अच्छे से, बिल्कुल ये जो काला काला है बिल्कुल ही निकल जाए बाहर, है ना। अच्छे से बिल्कुल धुल चुका है, ये ब्लैक ब्लैक सारा मैंने हटा दिया, ये बिल्कुल अब गोरा गोरा हो चुका है। अब ये कटिंग करने के लिए रेडी है। तो गाइस ये देखिए मैंने अच्छे से धो लिया है, ये बिल्कुल बहुत सुंदर दिख रहा है ना, गोल गोल वाइट वाइट। मुझे मशरूम बहुत पसंद है गाइस। देखिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसे हम कटिंग करेंगे फिर एक बार धो लेंगे अच्छे से, ठीक है गाइस। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो एंड तक देखते रहें कि हम इसकी सब्जी कैसे बनाते हैं। इसे हम कटिंग करते हैं गाइस, देखिए अब हम कटिंग करते हैं इसे। तो आप लोग मशरूम को कैसे काटते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसे अच्छे से देख लेंगे, ये ख़राब तो नहीं है, तो इसकी कटिंग करेंगे अच्छे से। तो गाइस ये देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैंने इसकी कटिंग की है। और मैं तो ऐसे ही कटिंग करती हूँ गाइस, आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ कमेंट में बताएं। एंड आप लोग मशरूम कैसे बनाते हैं हमें कमेंट में ज़रूर ज़रूर से बताएं। अब वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें गाइस। तो गाइस देख सकते हैं कटिंग कर रहे हैं, और इसी तरह पूरा कटिंग करना है। और मेरी कटिंग कैसी लग रही है आप लोग को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं तो ऐसे ही कट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है चॉपिंग बोर्ड पे कट करना। एंड चलिए तो पूरा कर लेते हैं कटिंग, और मिलते हैं फिर पूरी कटिंग करने के बाद, ओके। तो गाइस देखिए हमने मशरूम को काट लिया है कुछ छोटे शेप में और कुछ बड़े शेप में, ठीक है। अब आगे देखते जाइए इसकी रेसिपी हम कैसे बनाते हैं, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। पहले हम ऑयल में प्याज को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। प्याज बारीक कटा हुआ मैंने काट के रखा था पहले, इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये मशरूम है, ये मसाला है, नमक है, ये मम्मी ने आलू फ्राई करके रख लिया है पहले से। इसे देख सकते हैं आप लोग, प्याज अच्छी तरह से रेड ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मशरूम को फ्राई करेंगे। गाइस अच्छे से मशरूम को फ्राई कर लेना है ऑयल में, जैसे हमने आलू को पहले फ्राई करके रखा है। गाइस देखिए ये मशरूम आधा फ्राई हो चुका है, और कितना सारा पानी निकला है। हमें पानी को पूरी तरह से सुखाना है, उसके बाद हम इसमें मसाला डाल के फ्राई करेंगे अच्छे से, बट ये पानी सूख जाए पहले। तो गाइस देखिए ये मशरूम फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाला में है ज़ीरा, गोलकी, धनिया, मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट है। अब इसमें मम्मी ने नमक डाला है, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जितना आप चाहें। हल्दी, अब जो आलू फ्राई किया था मम्मी ने पहले, क्योंकि हम मशरूम आलू बना रहे हैं, सिंपल मशरूम नहीं, मशरूम आलू मिक्स। अब आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं आप इसमें, अदरवाइज आपकी मर्जी है, नहीं भी डाल सकते हैं। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे
अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जितना भी फ्लेवर है एक दूसरे में मिक्स हो जाए। टमाटर आलू हमने बड़े बड़े रखे हैं, बाद में ये मिक्स हो जाएंगे। तो गाइस इसे अच्छे से फ्राई होने देते हैं, मसाले में मिक्स होने देते हैं ताकि मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाए और मशरूम और आलू एब्जॉर्ब कर ले मसाला को अच्छे से। फिर जब ये फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। तो गाइस वीडियो में बने रहें, वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो गाइस देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है, मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, बिल्कुल मशरूम एंड आलू बहुत ही टेस्टी लग रहा है गाइस। आप ऐसे सूखा भी खा सकते हैं बट थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो इसमें पानी डाल के थोड़ी देर बॉईल होने देंगे इसे। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं अच्छे से ये बॉईल हो जाए और थोड़ा ग्रेवी गाढ़ा हो जाए इसके बाद। तो गाइस देख सकते हैं ये मशरूम बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल गाढ़ा उसका ग्रेवी हो चुका है, अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप हरे धनिए से इसे गार्निश कर सकते हैं, आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये मशरूम की सब्ज़ी कैसी लगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए बाय, टेक केयर एंड एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।